अधिकारियों को ले जा करके उनके फॉर्म भरवाएंगे, उनकी जो सेंसेस है उन सेंसेस को जारी कराएंगे। हमने हमारी इंटरनल विजिलेंस को भी थोड़ा मजबूत करने का प्रयास किया है। पिछले वर्ष एक भाग्यपूर्ण आपके जानकारी में होगा, हमारी एक यूनिट के प्रभारी को हमें हमारी एसीबी की टीम के द्वारा ही गिरफ्तार करना पड़ा था। बाद में उनके विरुद्ध एक आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा भी दर्ज हुआ। तो इस प्रकार से हम अपने इंटरनल विजिलेंस को लेकर के भी बहुत सतर्क हैं। आप सब लोगों के मार्फत हम आमजन से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर एसीबी के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार की शिकायत है, आप सीधा डीजीएसीबी के पास या एडीजीएसबी के पास आ सकते हैं। आपका स्वागत है। हम आपके साथ मिलकर के अगर हमारे अंदर कोई गलत तत्व छुपा हुआ है तो हम उसके विरुद्ध बहुत मजबूती से कार्रवाई करेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरी साफ सुथरे तरीके से और पूरा मेरिट बेस्ड हम कार्रवाई करेंगे। नए वर्ष में हमने एक और बीड़ा उठाने का प्रयास किया है कि हमारा जो कोर्ट क्राफ्ट है, जो हमारे प्रकरण कोर्ट्स में चलते हैं, लंबे समय तक चलते हैं और कुछ विशेष न्यायालय हैं जहां पर ये प्रकरण चलते हैं, हमारे एडिशनल डायरेक्टर साहब प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन की पूरी टीम के साथ हमने हर कोर्ट में एक एक सब इंस्पेक्टर को नॉमिनेट किया है और उनको हमने ये काम दिया है कि जितने भी प्रकरण हैं उनकी पूरी जानकारी रखे और जो गवाह आते हैं उन गवाहों को उनके रोल के बारे में बताए। तो हमारा इस वर्ष में ये प्रयास रहेगा कि हमारी जो कोर्ट के अंदर हमारा प्रकरण को प्रेजेंट करने का जो हमारा तरीका है वो और ज्यादा सुदृढ़ हो, इसमें हम और ज्यादा इस वर्ष में प्रयास करेंगे। अंत में आप सभी के मार्फत मैं राजस्थान के समस्त नागरिकों को, समस्त भाई बहनों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरी टीम एसीबी भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्प है। आप लीडर होकर हमारे पास आइए, 1066 पे कॉल करिए, हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर कॉल करिए और आपके साथ मिलकर के सत्यापन की प्रक्रिया के बाद हम भ्रष्ट लोक सेवकों को हवालात में पहुंचाएंगे और आपकी गाड़ी कमाई, जो आपकी मेहनत की कमाई है, उसको बचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। उसके प्रोटेक्शन के लिए हम उससे लगातार संपर्क करें।